वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ मसाला पैराडाइज। और आज हम लेके आए हैं आपको, संडे का दिन है, सुबह सुबह राजमा चावल खाने। और कहाँ पे हम आए हैं? कनॉट प्लेस में, एम ब्लॉक में है ये, एम ब्लॉक आउटर सर्कल में, आपको डोमिनोज के बिल्कुल ऑपोजिट ढाबा फूड करके है। और चलते हैं, खाते हैं और आपको बताते हैं। तो अभी हम इनकी किचन के अंदर है यार, बहुत कम देखने को ऐसा मिलता है कि आप सडनली शूट करने आते हो या कोई रिव्यू करने आते हो और आपको इतनी क्लीन किचन मिलती है। देखो तो ये हैं भैया के चावल, तो भैया सारे चावलों में यही जाते हैं। और ये पापड़, और ये राजमा। अच्छा ये राजमा निकाल के दिखाना भैया। ये देखो यार, खुशबू आ रही है इतनी बढ़िया। ओह छोले बहुत कलरफुल लग रहे हैं यार, एक खाने का। हाँ, और ये कड़ी पकौड़ा। और ये क्या है भैया? शाही पनीर। अच्छा ये शाही पनीर, हाँ जी। इसका भी टेक्सचर बहुत ही बढ़िया लग रहा है, देखो यार ये देखो। और फाइनली छोले भटूरे के छोले, ये है छोले भटूरे के छोले, ये देखो। और भैया ये आप आलू डाल के देते हो, ये चावलों पे भी देते हैं सिर्फ भटूरों पे? भटूरे भटूरे। और प्रिकॉशन देखो यार, भैया ना नहीं सो रहे हैं फिलहाल, हमारा ही लग रहा है, बस मैं कवर कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। और ये देखो ये तले जा रहे हैं यहाँ पे भटूरे गरम। अच्छा हाँ भैया, एक बार इनसे पूछ लें। हाँ भाई साहब क्या लोगे? भैया एक कर दो हमारे पनीर चावल, शाही अच्छा? पनीर चावल और एक छोले चावल। ठीक है भैया, अब भैया लगाएंगे हमारे चावल। ये देखो रोहित, एक चीज पता क्या अच्छी है? हाँ। ये छोले ना दोनों के लिए सेम नहीं है, देख छोले अलग है इसके। हाँ छोले अलग है। एक शाही पनीर, हाँ एक शाही पनीर डाल दो। और ये बस आया हमारा पनीर, बढ़िया। ये देखो यार पनीर आ गया है इसमें, और अब डलेगी चटनी रायता। और अब आएगा पापड़, और एक लगा दो राजमा चावल। और ये आ गया हमारा, ये देखो यार गजब चीज लग रही है एकदम। आ गया रायता और मिंट की है, बढ़िया। अब पापड़ आएगा। और ये देखो यार एक ये रह गया था आपका, जो चाप सोया चाप है, ये देखो यार कितना टेम्पटिंग लग रहा है। और ये फ्राइड करके डालते हो ना भी आप, फ्राई करके, बहुत टेस्टी लग रहा है यार। और ग्रेवी भैया शाही पनीर और इसकी सेम होती है? अच्छा ग्रेवी सेम होती है, स्पाइसी ज्यादा होता है सोया चाप का, लेकिन होता है सेम होता है। अच्छा लेकिन सोया चाप थोड़ी सी ज्यादा स्पाइसी होती है, स्पाइसी होता है। और जो शाही पनीर वो तो थोड़ा सा मीठा टेक्सचर होता है, मीठा पन आता है। अच्छा अच्छा भैया कितने टाइम से है शॉप? 2007 में। 2007 से। ये देखो यार ये लस्सी, बस मैं एक सेकंड आपको एक टेक्सचर दिखा देता हूँ उसका, कितना बढ़िया। ये है हमारी मीठी लस्सी, ये देखो मीठी लस्सी तैयार हो गई हमारी लस्सी। तो यहाँ जब भी आओ पहले इन भैया से टोकन लेना पड़ेगा यहाँ से, जैसे सचिन बाहर से ले चुका है, और फिर यहाँ आके आपको मिलेगा सारा खाना। यहाँ प्रिपेयर्ड खाना रखा होता है, और ऊपर इनकी किचन जहाँ ही प्रिपेयर करते हैं। अभी हम खाएंगे बाहर जाके, हमारा खाना लग चुका है। ये देखो ये देखो स्टार्ट करते हैं, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ शाही पनीर के साथ, और रोहित ट्राई करने वाला है राजमा चावल। और राजमा चावल ना यार एक इमोशन है, सिर्फ खाना नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे, हम बीइंग अ डेलीआइट आप समझ सकते हो। तो ट्राई करते हैं। और जो सबसे मजेदार चीज है ना इस प्लेट में वो है पापड़। ये देखो यार सबसे पहले ना सचिंद्र एक चीज बताऊंगा, राजमा चावल को ना आप लोग रिव्यू कर ही नहीं सकते, टू बी वेरी ऑनेस्ट।
बीइंग एन इंडियन ना कि आप कर ही नहीं सकते हो रिव्यू, क्योंकि ये इट्स नॉट अ फूड यार, इट्स एन इमोशन। और आप सब लोग ना राजमा चावल जब भी खाते हो, सच सच बताना, अपने दिल में आप एकदम सोल हैप्पी हो जाती होगी, तो ये वो वाला फूड है, पूरे दिन की टेंशन खत्म हो जाती होगी, रिलैक्स फील करते होगे। शाही पनीर की ग्रेवी की बात करूं, मीठी नहीं है, थोड़ी सी बिट ऑफ स्पाइसी है मतलब, पर हाँ फ्लेवर्स माइल्ड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स नहीं है। राजमा चावल में मज़ा आ गया, सीरियसली राजमा चावल में मज़ा, हैप्पी को फूड है, मज़ा कैसे नहीं आया। अगर दोनों में से एक प्रेफरेंस की बात हो तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर द राजमा चावल। तभी मैंने प्लेट अपनी तरफ रखी है। ज़्यादा क्या होता है, व्हेनेवर यू ईट फूड ना, प्याज के साथ मज़ा आता है, लेकिन यहाँ ना आपको एक एक्स्ट्रा चीज मिली हुई है, वो है करारे करारे पापड़, जिसका अलग ही फ्लेवर आ रहा है। साथ में हमने लिए लस्सी, मजेदार, पनीर के इतने बड़े बड़े पीसेस हैं ना इसके अंदर, टोटली वर्थ है। 90 रुपीस में डेफिनेटली। और हम संडे मॉर्निंग को शूट कर रहे हैं, मॉर्निंग में सुबह सुबह मीठी लस्सी, राजमा चावल पापड़ और चटनी के साथ, ऊपर से प्याज, मजेदार कॉम्बिनेशन। लस्सी कितनी रिफ्रेशिंग है, एक और चीज है यार, काफी पुरानी शॉप है, उन्होंने बताया 2007 से खुली हुई है, मतलब ऑलमोस्ट 14 इयर्स हो चुके हैं यहाँ पर। तो एक जो इसमें ना क्रंच है ना, एक जो इसमें क्रंच है ना, वो प्याज का भी है और उसके साथ ये पापड़ का भी है। थोड़ा सा ट्राई करते हैं सब मिक्स करके, पनीर भी लिया, रायता भी लिया, सैलड भी ऐड करेंगे, थोड़ा सा लूंगा इसमें पापड़। रोहित ने एकदम सही बोला, जो पापड़ का क्रंच आ रहा है ना, वो स्वाद ऐड ऑन कर रहा है। और ऑलमोस्ट हमें 10 मिनट हो गए हैं खाने को यहाँ रखे हुए, फिर भी सॉगी नहीं हुआ है अभी तक, बिल्कुल नहीं हुआ। मैंने बताया ना कि जब शाही पनीर की थोड़ी सी मीठी ग्रेवी होगी, मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया था कि चावल के साथ मीठा, बट नहीं, मीठी ग्रेवी नहीं है। अब भैया ने बताया जब भी आप यहाँ पे चाप लोगे ना, उसकी ग्रेवी शाही पनीर की सेम होती है, बट उसमें थोड़ा और ज़्यादा स्पाइसी होगा। राजमा चावल इज द बेस्ट, मतलब कभी भी खिला लो यार, अगर थोड़े से अच्छे ना भी बने हो ना, जैसे कहीं खाया हो या थोड़े से अच्छे ना भी बने हो, तो भी बढ़िया लगते हैं। फिर तू तेरे क्या लगता है, ये वाले अच्छे ये वाले? राजमा चावल, इन दोनों में तो प्रेफरेंस करी राजमा चावल रही। जल्दी से खाना फिनिश करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीक नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए रोहित क्या करना है इनको? जल्दी से नीचे जाओ, सब्सक्राइब कर दो यार, और लाइक कर दो चैनल को, आपका एक लाइक बहुत मोटिवेशन देता है। और बाकी और सारी वीडियोज हैं जो आपके साइड में आ रही होंगी, जल्दी से आके क्लिक करो और देखो, बिना स्किप करे देखना यार, सारी डिटेल मिलेगी आपको खाने की वहां पे कैसा है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टाटा, चलो टाटा बाय।